Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture and I am continuing chapter number 2 electrostatic potential and capacitance. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में. यस, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर को पढ़ा, कैपेसिटेंस को देखा, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए. हमने डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का इंपैक्ट देखा कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, और इंपॉर्टेंटली हमने देखा कि किस तरह से डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रेजेंस में किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है. सो अभी तक हमने बात की एक सिंगल कैपेसिटर के बारे में. नाउ व्हाट हैपेंस अगर हम लोग एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करें तो क्या होगा, उसके कैपेसिटेंस पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, या फिर उसकी एनर्जी वैल्यूज़ पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा. तो आज हम इसी लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. सो इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें कैपेसिटर्स के कनेक्शंस की, तो कैपेसिटर्स को बेसिकली हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं तो कितने तरह से आप उन दोनों कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली दो तरह से हम कैपेसिटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. पहला, सारे कैपेसिटर्स को या तो हम सीरीज़ में कनेक्शन कर दें, या फिर सारे कैपेसिटर्स को हम पैरेलली कनेक्शन कर दें. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन से. सो वी आर बेसिकली स्टडिंग द कैपेसिटर्स इन सीरीज. हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज. तो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, हम देख सकते हैं इस पिक्चर में. बहुत ही इजीली हमें समझ में आ रहा है कि अगर कैपेसिटर्स को हम इस तरह से सीरीज में कनेक्शन करें, इट मींस कि कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर्स की पहली प्लेट से कनेक्ट हो जाए, फिर दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से इस तरह से कनेक्टेड हो, मतलब सीरीज में सारे कैपेसिटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों. और ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है या फिर जो बैटरी हमें कनेक्शन करना है, वो पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट और आखिरी कैपेसिटर की लास्ट प्लेट से कनेक्शन हो, तो ऑब्वियसली इस तरह का जो कनेक्शंस कहलाएगा वो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर. अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, लेट अस कंसीडर कि सपोज हमने यहाँ पर कोई बैटरी अप्लाई कर रखी. सपोज यहाँ पर हमने कोई बैटरी अप्लाई कर दी, उस बैटरी का EMF है, सपोज V is a EMF of this particular battery, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है. Suppose V is a EMF of this battery. What happened? जब भी हमने कनेक्शन किया तो ऑब्वियसली यहाँ से करंट फ्लो होगी I. क्या होगा, सबसे पहले इस करंट की वजह से इस कैपेसिटर C1 की लेफ्ट हैंड साइड प्लेट जो है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे. सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे इस कैपेसिटर C1 की लेफ्ट हैंड साइड वाली जो प्लेट है इस पर एक्यूमुलेट होंगे. ठीक है, देन क्या होगा, इसकी वजह से इस लेफ्ट हैंड प्लेट के लेफ्ट साइड पर सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे और राइट हैंड साइड पर भी सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे. किस तरह से होंगे, ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं. देन लेफ्ट हैंड प्लेट की वजह से इस कैपेसिटर C1 की जो राइट हैंड प्लेट है वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे. ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इंड्यूस होंगे. ये हमें बात याद रखना है कि अभी इन सारे कैपेसिटर्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, मतलब ये सारे की सारे एयर फिल्ड कैपेसिटर्स हैं. अभी हमने किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज़ नहीं किया हुआ है इन कैपेसिटर्स के बीच में, क्योंकि हम लोग सिंपली कनेक्शंस का इफेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली अगर हम लोग कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें सीरीज़ में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उनकी कैपेसिटेंस पर इसका क्या इफेक्ट आएगा, या फिर एक टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इस कॉम्बिनेशन का. सो इसी तरह से हम देखें तो पहला कैपेसिटर C1 की जो लेफ्ट हैंड प्लेट है वहाँ पर जब पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए तो इसी कैपेसिटर की जो राइट हैंड साइड वाली प्लेट होगी वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे. ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा, इस राइट हैंड साइड वाली प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पर जब नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे तो इस प्लेट के राइट हैंड फेस पर सारे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे. ठीक है, ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटर C2 की जो लेफ्ट हैंड प्लेट है यहाँ पर भी सारे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लेट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. ऑब्वियसली जब कनेक्टेड हैं तो जितना चार्ज यहाँ पर होगा ऑब्वियसली वो चार्ज फ्लो होकर यहाँ पर भी एक्यूमुलेट होंगे. इट मीन्स यहाँ से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहेगा, यहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहेंगे, इनकी वजह से उतने ही नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर भी इंड्यूस्ड होंगे और फिर उसकी वजह से इस प्लेट के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होकर इस कैपेसिटर C2 की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट के लेफ्ट हैंड फेस पर सारे एक्यूमुलेट होते रहेंगे और ऑब्वियसली यही चार्जेस इसकी राइट हैंड साइड फेस पर भी एक्यूमुलेट होते रहेंगे. तो बेसिकली ये प्रोसेस
इस प्रोसेस से क्या हुआ, कैपेसिटर C1 तो चार्ज हुआ लेकिन कैपेसिटर C2 भी चार्ज होना शुरू हो गया आफ्टर द फुल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर C1। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कैपेसिटर C2 की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट पर जब पॉजिटिव चार्जेज एक्यूमुलेट हो गए, तो सिमिलरली इस कैपेसिटर C2 की राइट हैंड साइड वाली जो प्लेट है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस पर निगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। ऑब्वियसली प्रोसेस वही है जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा है और जैसा प्रोसेस इस कैपेसिटर C1 के साथ में परफॉर्म हो रहा है। सो ऑब्वियसली इस कैपेसिटर C2 की राइट हैंड साइड वाली प्लेस की राइट हैंड फेस पर भी क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर C2 की जो प्लेट D है, प्लेट D वो कैपेसिटर C3 की प्लेट E से कनेक्टेड है, हम इजीली देख सकते हैं कैपेसिटर C2 की प्लेट D कैपेसिटर C3 की प्लेट E से कनेक्टेड है, और ऑब्वियसली इनके कनेक्शंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्जेस कहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, इट विल बी फ्लो टुवर्ड्स द कैपेसिटर C3, और कैपेसिटर C3 जो अभी पूरी तरह से ब्लैंक था, अनचार्ज है, यहाँ पर अब ये सारे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर इस C3 की प्लेट ई पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लेट्स पर जब ये चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लेट एफ पर भी जो निगेटिव चार्जेस हैं वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि कैपेसिटर C2 और C1 के साथ में हो रहा था। और ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, जब प्लेट ई एफ पर निगेटिव चार्जेस सारे इंड्यूस्ड होंगे तो डेफिनेटली इसके राइट हैंड फेस पर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे, और ये पॉजिटिव चार्जेस बेसिकली ग्राउंड होंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्लेट एफ है, इस प्लेट एफ का कनेक्शन हमने ग्राउंड से किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सारे चार्जेस जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ग्राउंड हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को शो नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो फाइनली ये प्रोसेस रहेगा, इस प्रोसेस से हम समझ सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो होते होते और इंड्यूस होते हुए बेसिकली इन तीनों कैपेसिटर को चार्ज कर चुके हैं, और फाइनली हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि अब यहाँ पर कैपेसिटर C1, C2 और C3 तीनों ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुके हैं। सो इस प्रोसेस को हम समझ भी सकते हैं, देखिए व्हेन द चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू द प्लेट ए द कैपेसिटर C1 इट इंड्यूसेस द चार्ज माइनस क्यू ऑन द लेफ्ट फेस एंड प्लस क्यू ऑन द राइट फेस ऑफ द प्लेट बी। बिल्कुल हमने ये समझा कि जब चार्जेस प्लस क्यू कैपेसिटर C1 की प्लेट ए पर पहुँचे हैं, एक्यूमुलेट हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लेट बी पर निगेटिव चार्जेस सारे इंड्यूस हो चुके हैं कैपेसिटर C1 की प्लेट बी पर, ठीक है। देन थस द प्लेट सी ऑफ द कैपेसिटर C2 ऑल्सो गेट्स चार्ज प्लस क्यू ऑन इट, तो कैपेसिटर C2 की जो प्लेट सी है ये भी प्लस क्यू चार्ज से चार्ज हो चुकी है, ठीक है। देन नेक्स्ट दैट इंड्यूसेस द माइनस क्यू ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द प्लेट डी एंड चार्ज प्लस क्यू ऑन द प्लेट ई ऑफ द कैपेसिटर C3, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर जब प्लेट सी पर प्लस क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो चुके हैं तो ऑब्वियसली ये चार्ज इंड्यूस करेगा माइनस क्यू चार्जेस ऑन द प्लेट डी, और ऑब्वियसली इसके राइट हैंड फेस पर प्लस क्यू चार्जेस इनबिल्ट होंगे जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इंड्यूस होंगे, और ऑब्वियसली ये चार्जेस जो होंगे वो प्लस जो ई प्लेट है, प्लेट ई ऑफ द कैपेसिटर C3, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। नाउ द चार्ज प्लस क्यू ऑन द प्लेट ई इंड्यूसेज एंड द चार्ज माइनस क्यू ऑन द लेफ्ट फेस ऑफ द प्लेट एफ वाइल द चार्ज प्लस क्यू इंड्यूसेज ऑन द राइट फेस फ्लोज टू द अर्थ। सो ऑब्वियसली जब प्लेट ई फुली चार्ज होगी प्लस क्यू चार्जेस से तो माइनस क्यू चार्जेस एट द लेफ्ट फेस ऑफ द प्लेट एफ क्या होंगे, सारे इंड्यूस्ड होंगे, और ऑब्वियसली प्लस क्यू चार्जेस इसके राइट फेस पर सारे इंड्यूस्ड होंगे जो कि इस ग्राउंड होंगे इस अर्थ कनेक्शन से, ठीक है। थस द थ्री कैपेसिटर्स गेट चार्ज विद द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ऑल थ्री कैपेसिटर्स हैं ये सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू से चार्ज हो चुके हैं, या अगर मैं कहूँ कि तीनों कैपेसिटर में चार्ज कितना है तो ऑब्वियसली हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर में जो चार्ज है वो क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तीनों ही कैपेसिटर प्लस क्यू चार्ज से चार्ज हो चुके हैं या फिर क्यू चार्ज से चार्ज हो चुके हैं, और ये तीनों कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। तीनों ही कैपेसिटर की जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। सो लेट V1, V2 एंड V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है। ऑब्वियसली तीनों कैपेसिटर चार्ज हो चुके हैं, बट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अलग अलग हो सकता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है।
तो ऑब्वियसली लेट वी वन वी टू एंड वी थ्री बी द पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द थ्री कैपेसिटर. इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन देन वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं तो इनके रिस्पेक्टिव जो पोटेंशियल्स हैं सपोज वी वन वी टू और वी थ्री, अब क्योंकि ऑल आर इन द सीरीज सो सीरीज में क्या होता है सारे पोटेंशियल्स ऐड होते हैं. सो फाइनली हम टोटल पोटेंशियल की अगर बात करें कि इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा वी वो कितना होगा, तो वो होगा बेसिकली वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. और ऑब्वियसली हमें पता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम कैपेसिटर के फॉर्मूले से देखें तो ये होता है बेसिकली क्यू बाई सी. ये फार्मूला हम कहाँ से लेकर आए, क्योंकि बेसिकली सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसी फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं यहाँ पर कि वी विल बी क्यू बाई सी. सो इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटर वी के लिए, कैपेसिटर सी वन के लिए जो पोटेंशियल है वो है वी वन. सो ऑब्वियसली इसके लिए हम लिख सकते हैं क्यू बाई सी वन. सपोज की कैपेसिटेंस ऑफ द ऑल द कैपेसिटर्स आर सी वन सी टू एंड सी थ्री है. ठीक है, सपोज इन सारे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, सपोज कैपेसिटर वन का जो कैपेसिटेंस है वो है सी वन, कैपेसिटर टू का जो कैपेसिटेंस है वो है सपोज सी टू, एंड कैपेसिटर थ्री का जो कैपेसिटेंस है वो है सपोज सी थ्री. क्योंकि सभी के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग है वी वन वी टू वी थ्री, सो डेफिनेटली इनके कैपेसिटेंस भी अलग अलग होंगे सी वन सी टू एंड सी थ्री. सो ऑब्वियसली कैपेसिटर वन के लिए क्योंकि पोटेंशियल वी वन है इसलिए इसके लिए हम लिख सकते हैं क्यू बाय सी वन बाय दिस फार्मूला. वी टू के लिए हम लिख सकते हैं क्यू बाय सी टू, एंड वी थ्री के लिए हम लिख सकते हैं क्यू बाय सी थ्री. ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज को जब हम इस फार्मूले में पुटअप करेंगे सो वी विल गेट वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी वन प्लस क्यू बाय सी टू प्लस क्यू बाय सी थ्री. यहाँ से हम क्यू कॉमन निकाले तो मिलेगा हमें वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री. सो ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया है टोटल पोटेंशियल का. टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस सी वन प्लस रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस सी टू एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस सी थ्री. नाउ लेट सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. सपोज कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मतलब ये सारे कॉम्बिनेशन साइज इन सारे कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, कंबाइंड कैपेसिटेंस है, वो सपोज क्या है सी. सो देयरफॉर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी, सो वी विल ऑल्सो वी कैन ऑल्सो राइट द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी. अब ये फार्मूला है हमारे पास. सो फाइनली इस फार्मूले में वी की वैल्यू जो है क्यू बाई सी हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं. जो फार्मूला है वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, सो फाइनली वी कैन पुट वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी. तो फाइनली यहाँ से हम देखें क्यू से कैंसिल आउट होगा, फाइनली हमें मिलेगा वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री. सो ये हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि देखिए सी हमने कंसिडर किया है, सी इज़ ए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो फाइनली हमारे पास एक रिलेशन आ गया वन बाई सी इज इक्वल्स टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री. थ्योरेटिकली हम इसे कह सकते हैं थस रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस. ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है सी, इसका रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल ऑफ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ कैपेसिटर is equal to the sum of reciprocal of the capacitance of the individual capacitor. ठीक है, so series combination का जो equivalent capacitance होगा उसका reciprocal actual में individual जो capacitors लगे हुए हैं उनके individual capacitance के reciprocal के addition के equal होगा. so ये basically काफ़ी important concept है और काफ़ी important formula है equivalent capacitance को calculate करने का जब number of capacitors series combination में हो. सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स के बाद अब बारी आती है कैपेसिटर्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स है और उन्हें हमें पैरेलली कनेक्ट करना है, आप देख सकते हैं सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है यहाँ पर थ्री कैपेसिटर, कैपेसिटर सी वन, ठीक है, कैपेसिटर सी टू एंड कैपेसिटर सी थ्री. दीज आर द थ्री कैपेसिटर्स हमने कंसिडर किए हुए हैं और सपोज इनको पैरेलली हमें कनेक्शन करना है. तो पैरेलल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होगा, सपोज अगर हमारे पास कोई बैटरी है, यहाँ पर ये बैटरी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का सिंबल. कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स या दोनों लाइंस बिल्कुल इक्वल है और बैटरी के केस में क्या होता है, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी. तो सपोज़ ये बैटरी का कनेक्शन हमने किया हुआ है और इस बैटरी का कनेक्शन हमने किया हुआ है बिल्कुल इक्वली, ठीक है, पैरेलली, ठीक है, इस तरह से, ठीक है. सो फाइनली यहाँ से भी मैंने कनेक्शन किया हुआ है और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, मतलब इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो तीनों कैपेसिटर को बिल्कुल इक्वल मिल रहा है, ठीक है,
तीनों ही कैपेसिटर्स को बिल्कुल इक्वल पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है कि हमने वी वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैपेसिटर सी वन के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वो वी होगा, कैपेसिटर सी टू के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वी होगा, और कैपेसिटर सी वन के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल होगा वो वी होगा। बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी टर्मिनल्स होते हैं, जितनी भी ब्रांचेस होती है, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, बिल्कुल सेम। अब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होगी। तो ऑब्वियसली जो चार्जेस का एक्यूमुलेशन है सी वन सी टू सी थ्री के अक्रॉस वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो लेट अस कंसिडर कि सी वन के अक्रॉस जो चार्ज है वो है क्यू वन, सी टू के अक्रॉस जो चार्जेज हैं वो है क्यू टू, एंड सी थ्री के अक्रॉस जो चार्जेज हैं वो है क्यू थ्री। सो ऑब्वियसली ये चार्जेज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुके हैं। ऑब्वियसली अगर हम डिस्कस करें इसके बारे में थोड़ा सा और, तो हमें यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का सी वन सी टू और सी थ्री का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी फाइंड आउट करना है। लेट कि सी इज़ अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, सो फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो चलिए बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसे और इसका डेरिवेशन देखते हैं। सो फिगर शोज द मेथड ऑफ द कनेक्टिंग द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी वन सी टू एंड सी थ्री इन पैरेलल। हमने देखा है किस तरह से हमने सी वन सी टू और सी थ्री को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। वन प्लेट ऑफ द ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ईएमएफ एंड द अदर टू द अर्थ। हम देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली जो निगेटिव टर्मिनल होता है वो अर्थ होता है, ठीक है। तो फाइनली हम यहाँ पर इसे अर्थ के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर कैपेसिटर की जो एक प्लेट है वो बैटरी के ईएमएफ से, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो दूसरी प्लेट है वो बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल से या फिर अर्थ से कनेक्टेड है, ग्राउंड है, ठीक है। सो इन दिस मैनर ऑल द कैपेसिटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन द सोर्स ऑफ द ईएमएफ एंड द अर्थ, एंड थस पजेस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देयर प्लेट्स। जैसा मैंने कहा कि सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सो एज द कैपेसिटर्स हैव द डिफरेंट कैपेसिटेंस दे विल ड्रॉ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। इफ क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री आर द वैल्यूज ऑफ द चार्जेस ऑन द कैपेसिटर्स सी वन सी टू एंड सी थ्री रिस्पेक्टिवली एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है कि जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस ईएमएफ से, बैटरी से, तो डेफिनेटली इनके रिस्पेक्टिव जो चार्जेस हैं सपोज Q1, Q2 एंड Q3 हैं, सो यहाँ पर हम एक इंडिविजुअली हर कैपेसिटर के लिए फार्मूला लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पर जो चार्जेस का फार्मूला होगा Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है। सो चार्ज का फार्मूला होगा Q इज इक्वल्स टू CV। ये फार्मूला कहाँ से आया, ऑब्वियसली ये फार्मूला आया है C इज इक्वल टू Q बाय V से, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है फार्मूला। सो ऑब्वियसली यहीं से हमने निकाला Q इज इक्वल टू CV। अब क्योंकि चार्ज Q1 है कैपेसिटर 1 पर जिसका कैपेसिटेंस है सी वन, सो फाइनली इसके लिए हम लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू सी वन वी। इसी तरह से क्यू टू इज इक्वल्स टू सी टू वी एंड क्यू थ्री इज इक्वल टू सी थ्री वी। यहाँ पर सारे कैपेसिटर्स के लिए हमने रिस्पेक्टिव फार्मूला लिख दिया हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि जो चार्जेज हैं, टोटल चार्जेज होंगे, जिस तरह से हमें पता है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल करंट होगी, अगर सपोज यहाँ से करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट होगी आई वन, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट होगी आई टू, एंड यहाँ से फ्लो होने वाली करंट होगी आई थ्री। सो फाइनली टोटल करंट को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी तरह से जो टोटल चार्जेस होंगे, टोटल चार्ज, वो टोटल चार्ज को भी हम लिखेंगे इस तरह से Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब सिंपली हमें यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 की वैल्यूज़ को रखना है जो अभी हमने फार्मूले डेराइव किए थे। सो फाइनली Q1 इज इक्वल्स टू हो गया C1V, Q2 का वैल्यू हो गई C2V एंड Q3 की वैल्यू हो गई C3V। यहाँ से हम देखें तो V हर टर्म में कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ V को कॉमनली बाहर निकाल लिया यहाँ से, तो ये बचा Q इज इक्वल्स टू क्यू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इंटू वी। इफ़ C इज़ अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि C क्या है इस पूरे होल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। सो इफ़ C इज़ अ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन वी कैन राइट Q इज इक्वल टू CV। इस होल कॉम्बिनेशन के लिए हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू CV। सो फाइनली जब हम Q के लिए यहाँ पर CV पुट अप करेंगे, सो हम देख सकते हैं यहाँ से V कैंसिल आउट होगा, फाइनली बचेगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो सिंपली द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंसेज ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। सो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का. इफ देयर आर द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड पैरेलली देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज ऑल कॉम्बिनेशन विल बी द समेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर या इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स. सो फाइनली ये जो इक्वेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, एज पर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स दिए हुए हैं उनको पैरेलली आपने कनेक्ट किया है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म था ये. इसके बाद हम बात करते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल से हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं. सो व्हाट इज न्यूमेरिकल, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द टू कंडक्टर्स ऑफ द कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड. हमें दो कैपेसिटर दिए हुए हैं 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड के, और हमसे कहा कि अगर हमने इसे सीरीज में कनेक्शन किया तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा और पैरेलल में कनेक्शन किया तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा. देखिए हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर कि सपोज C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड और C2 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड. तो जब हमने इसे सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है तो सीरीज का फार्मूला हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अभी जस्ट, 1 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 1 बाय C इज इक्वल टू रेसिप्रोकल एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, क्योंकि दो ही कैपेसिटर हैं इसलिए हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बाय C सीरीज कॉम्बिनेशन का है इसलिए यहाँ पर CS लिख दिया, और 1 बाय C1 मतलब 1 बाय 3 एंड 1 बाय C2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4. सो फाइनली ये इसका जो टोटल होगा वो होगा 7 बाय 12. ये 1 बाय CS की वैल्यू है. अक्सर हम यहाँ गलती करते हैं कि इसे ही आंसर लिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भूल जाते हैं कि हमें इसे भी रेसिप्रोकल करना है बिकॉज इट्स द कैलकुलेशन फॉर दिस रेसिप्रोकल टर्म. सो जब हम इस रेसिप्रोकल को करेक्ट करेंगे इसे लिखेंगे हम CS तो इट विल बिकम 12 बाय 7. सो ऑब्वियसली यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 12 बाय 7 माइक्रोफेरेड. इसी तरह से अगर हम पैरेलली इसे कनेक्ट करते तो क्या होता, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी हमने अभी जस्ट डेरिवेशन देखा है. पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सी वो होगा C1 प्लस C2, मतलब दोनों ही कैपेसिटेंस का एडिशन. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CP इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू C1 प्लस C2. तो C1 की वैल्यू है यहाँ पर 3 और C2 की वैल्यू है 4, सो इट विल बिकम 7 माइक्रोफेरेड. सो वेरी सिंपली हमने कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स की वैल्यू निकाल ली, उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. अब चलिए अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर की, कि अगर कोई कैपेसिटर फुली चार्ज है, ठीक है, कोई कैपेसिटर क्या है फुली चार्ज है, तो उसमें कितनी एनर्जी वो स्टोर करके रखेगा. मतलब अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, सपोज ये कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर ये कैसा है पूरा फुली चार्ज है, मतलब इसके एक प्लेट पर पॉजिटिव 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 चार्जेस हैं और दूसरी प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ चार्जेस है क्यू और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वी, ठीक है. सो और इसका कैपेसिटेंस अगर सी है सो फाइनली इस सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी वाला जो रिलेशन है, तो अगर हम यहाँ से एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें कि बेसिकली हाउ मच एनर्जी विल इट विल पजेस या इस कैपेसिटर के पास टोटल एनर्जी है कितनी, सो वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है. सो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, इफ़ वी कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द वर्क डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपली कि जब हमने कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर के अक्रॉस किसी बैटरी का कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा, ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी. तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसके चार्जेस यहाँ पर फ्लो होंगे धीरे धीरे. चार्जेस जब फ्लो होंगे तो चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, जब चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इनके चार्जेस का रिपल्शन बढ़ेगा. जो चार्जेस यहाँ पर फ्लो होकर आ रहे हैं इनका रिपल्शन बढ़ेगा, इनका रिपल्शन जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बैटरी को, तो इसे फुल चार्ज करना है इसलिए बैटरी को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसे फुल चार्ज करने के लिए. तो ये जो वर्क डन बाय द बैटरी है टू चार्ज द कैपेसिटर, ये बेसिकली कहलाता है इस कैपेसिटर की एनर्जी, या जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द बैटरी टू चार्ज दिस कैपेसिटर बेसिकली इस कैपेसिटर की एनर्जी को डिफाइन करता है, और वो इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो देखिए क्या लिखा है, बड़ा सिंपल टर्म्स में हम समझ सकते हैं इसे. इफ वी कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर द वर्क इज डन, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाई कर रहा है बैटरी इस कैपेसिटर को बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, ठीक है. तो जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस तो बैटरी को एक वर्क करना पड़ता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए.
सो ये वर्क डन कहलाता है बेसिकली एनर्जी। सो एज द कैपेसिटर चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट इंक्रीजेस, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा। मोर एंड मोर वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बैटरी इन डिलीवरिंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू द कैपेसिटर ड्यू टू द कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि सपोज जैसे बैटरी को जब आपने चार्ज किया तो ऑब्वियसली क्या होगा, धीरे धीरे इस बैटरी के अक्रॉस चार्जेस जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। चार्जेस जब बढ़ते जाएंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ेगा तो इस बैटरी को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को एक्यूमुलेट करने में, फिर से पहुंचाने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बैटरी को के चार्जेस जो यहाँ से फ्लो होकर यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं उन्हें ज़्यादा रिपल्शन यहाँ पर फील होगा इन पॉजिटिव चार्जेस जो पहले से अब एक्यूमुलेट हो चुके हैं पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट यही एनर्जी को डिफाइन करता है जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया। सो द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो चलिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा फार्मूला है कि किस तक क्या फार्मूला होगा बैटरी की एनर्जी को कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट करने का। सो कंसिडर ए कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस सी, सपोज कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। सपोज दैट द कैपेसिटर डज नॉट पजेज एनी चार्ज इनिशियली, सपोज कैपेसिटर के पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, जैसा भी हमने कंसिडर किया, हमने बैटरी लगाई तब वो चार्ज होना शुरू हुआ और उसका जो कैपेसिटेंस है वो है बेसिकली सी। सो ऑन बींग कनेक्टेड द बैटरी सपोज दैट इट्स चार्ज चार्जेस टू द पोटेंशियल वी आफ्टर द सम टाइम। ठीक है, जब बैटरी चार्ज हो गई तो ऑब्वियसली चार्ज होने के बाद उन दो बैटरी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो है सपोज वी। इफ़ क्यू इज़ अ चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर देन हम लिख सकते हैं उस कैपेसिटर के लिए क्यू इज इक्वल टू सी वी, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। अब क्योंकि हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो सपोज टोटल वर्क डन हमें निकालना है, तो टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले स्मॉल वर्क डन की बात करते हैं। तो सपोज द बैटरी सप्लाईज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस डी क्यू टू द कैपेसिटर एट द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल वी। ठीक है, सपोज कैपेसिटर जब इसका इनिशियल पोटेंशियल सपोज वी है, सपोज इस कैपेसिटर का पोटेंशियल वी है, तो इस पोटेंशियल वी के अगेंस्ट में जब बैटरी यहाँ पर जो चार्जेस ट्रांसफ़र कर रही है तो सपोज एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस सपोज डी क्यू ट्रांसफ़र की है इस बैटरी ने इस कैपेसिटर की प्लेट्स को, तो ऑब्वियसली इस डी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए सपोज़ जो बैटरी ने वर्क किया है वो वर्क डन डिफाइन हो रहा है डी डब्ल्यू से। सो फाइनली हमने पढ़ा है पहले फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के दौरान की बेसिकली जो डब्ल्यू बाई क्यू होता है, डब्ल्यू बाई क्यू मतलब वर्क पर यूनिट चार्ज बेसिकली डिफाइन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर डिस्टेंस टू द पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो V इज इक्वल्स टू होता है W बाई क्यू, यहाँ से हम लिख सकते हैं बेसिकली W इज इक्वल्स टू क्यू वी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हम स्मॉल वर्क कर रहे हैं डी क्यू डी डब्ल्यू फॉर टू शिफ्ट द चार्ज डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डॉट डी क्यू। आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो अब वी के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बाई सी, यहाँ से इस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर वी इज इक्वल टू होगा क्यू बाई सी। सो फाइनली वी कैन राइट क्यू बाई सी फॉर दिस वी, तो ये होगा क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। अब ये है स्मॉल वर्क डन टू शिफ्ट द स्मॉल चार्ज डी क्यू। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिलीवरिंग द चार्ज क्यू, अगर हम टोटल चार्ज क्यू के को शिफ्ट करने के लिए टोटल वर्क डन डब्ल्यू की बात करें, सो वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू टोटल वर्क डन एंड देन फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ द क्यू सी डी क्यू। इसे हमने चार्ज करना है जीरो से लेकर क्यू तक। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिमिट्स भी पुटअप कर दी, क्योंकि इनिशियली बैटरी कैपेसिटर जो था वो अनचार्ज था, उसके चार्ज जीरो थे, धीरे धीरे बैटरी ने उसे चार्ज करना शुरू किया और जब कंप्लीट चार्ज होगा तब वो क्यू चार्ज तक पहुँचेगा। तो फाइनली जो वर्क डन जो होगा वो लिमिट्स जीरो टू क्यू फॉर द इंटीग्रेशन क्यू सी डी क्यू के लिए होगा। अब यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर सी जो है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसलिए वन बाई सी कॉमनली बाहर आ गया, अंदर क्या बचा क्यू डी क्यू। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा क्यू स्क्वायर बाई टू और लिमिट्स भी हम पुटअप कर देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। सो फाइनली जब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट्स को पुटअप करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो फाइनली इट विल बिकम क्यू जीरो बाय सी क्यू जीरो बाय टू। और फाइनली जब हम इसे अगर देखें सो फाइनली
देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये इस तरह से होगा। पहले हम अपर लिमिट को पुटअप करेंगे, तो क्यू के लिए क्यू ही पुटअप करेंगे क्योंकि अपर लिमिट क्यू है और माइनस लोअर लिमिट ज़ीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू के लिए फिर ज़ीरो पुटअप करेंगे। सो फाइनली ये तो ज़ीरो ही होना है पूरा, ठीक है ये तो ज़ीरो ही होना है। फाइनली क्या बचेगा क्यू स्क्वेयर, सो ये हट गया, अंदर क्या बचा मॉड ऑफ क्यू स्क्वेयर बाई टू, सो वन बाई सी मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ क्यू स्क्वेयर बाई टू। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं वन बाई टू क्यू स्क्वेयर बाई सी। तो फाइनली हमारे पास टोटल वर्क डन का एक फॉर्मूला आ गया है, डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी। सो ये दिस इज़ अ टोटल वर्क डन डब्ल्यू। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यही वर्क डन बेसिकली इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम नॉर्मली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइनली इस वर्क डन का जो कौन फार्मूला है हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करेंगे, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे हमें पता है क्यू की वैल्यू होती है सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सो वी कैन पुट क्यू के लिए हम यहाँ पर सी वी जब पुट अप करेंगे तो इट विल बिकम सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर। ये हो जाएगा बेसिकली हाफ सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी, यहाँ से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। तो देखिए एक फार्मूला तो ये आ गया हमारे पास हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला हमारे पास आ गया हाफ सी वी स्क्वेयर। ये दोनों फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर को कैलकुलेट करने के लिए। हम एक फार्मूला और डेराइव कर सकते हैं, देखिए हम जानते हैं बेसिकली सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। सो फाइनली अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में क्यू बाई वी पुटअप कर दें सी के लिए, तो देखिए ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू हाफ सी के लिए हमने पुटअप किया क्यू बाई वी एंड वी स्क्वेयर एज इट इज़। यहाँ एक वी से ये स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा, फाइनली क्या बचेगा u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। सो फाइनली यहाँ पर एक रिलेशन हमारे पास और आ गया u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। तो बेसिकली तीन रिलेशन आ चुके हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कैलकुलेट करने के लिए। सो फाइनली टोटल एनर्जी को हम ये तीनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करके लिख दें, तो ये होगा हाफ क्यू स्क्वेयर बाय सी जो पहली इक्वेशन, इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर सेकेंड इक्वेशन एंड हाफ क्यू वी इट्स अ थर्ड इक्वेशन। सो दीज ऑल थ्री इक्वेशंस आर बेसिकली डिफाइनिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है इसे कैलकुलेट करने का कि अ कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेरेड, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 50 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट, मतलब यहाँ पर सी की वैल्यू हमें दी हुई 50 माइक्रोफेरेड और वी की वैल्यू दी हुई है 1000 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हमारे पास सी की वैल्यू भी है वी की वैल्यू भी है, सी इज इक्वल टू 50 माइक्रोफेरेड, इसे 50 माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फेरेड एंड वी इज इन वोल्ट 1000 वोल्ट। सो फाइनली एनर्जी स्टोर का फार्मूला है सी और वी हमारे पास है, सी और वी जब हमारे पास है तो हमारे पास फार्मूला है यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर। फाइनली लेट्स पुट द वैल्यू हाफ सी के लिए हमने पुट अप किया 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड वी इज इक्वल टू 10 टू द 1000 और वी स्क्वेयर, इसलिए इसका स्क्वेयर लगा दिया। सो फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ठीक है, और ये 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर माइनस 6, फाइनली क्या मिलेगा हमें 50 जूल। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, सो 50 जूल एंड दिस डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पर डिवाइडेड बाई टू भी जब हम लिखेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा यू इज इक्वल टू 25 जूल, ठीक है। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप यू रिमेंबर दिस ऑल थिंग्स, एंड हमने बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स की बात की, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा और हमने इम्पॉर्टेंटली उनके फार्मूले देखे कि बेसिकली हाउ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स कैन बी कैलकुलेटेड। और फाइनली हमने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखे और हमने एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर देखा इस पर्टिकुलर लेक्चर में। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और दिस लेक्चर वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। थैंक यू।